लोकसभा में भी इनको फ्लाइंग किस नजर आया, आरोप लगाते हैं लालू यादव पर परिवार। हेलो, अरे आपका तो परिवार ही नहीं है इसमें, वो चरम स्थिति पर है कि ये लोग एक टाइम का खाना खा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पर। जिस तरीके से लालू परिवार पर जब से सरकार बनी तब से परिवारवाद का आरोप जो लग गया है, जब से सत्ता में लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाले का आरोप लगा, परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप अगर बिहार में लगा है तो लालू परिवार का। अब इसके बाद आरजेडी की तरफ से जो पोस्टरबाजी किया गया है और पूरी भाजपाइयों का परिवारवाद इसमें दिखाया गया, तस्वीर देखिए, भारत का मुखिया यानी पीएम मोदी और इनके चारों तरफ परिवारवाद से घिरे हुए एक एक नाम, अमित शाह के पुत्र जय शाह जो बीसीसीआई में, रविशंकर प्रसाद, सुनील ठाकुर प्रसाद, नितिन मिश्रा, मतलब तमाम वो बड़े बड़े नाम और वो हस्ती है जो दर्शाया गया कि किस तरीके से इनके जो बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, जैसे मान लिया जाए अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह उनके बेटे बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट में हैं। और पोस्टरबाजी में साफ तौर से दिखाया गया तमाम तौर से महाराष्ट्र हो या जिस तरीके व्यापम घोटाला हो, सारा चीज़ यहाँ दिखाया गया, सारा घोटाला हो तमाम महाराष्ट्र सदन घोटाला, टी शर्ट घोटाला, और ये पोस्टर के जरिए क्या कुछ कहना, ये पोस्टरबाज भाजपा पर पहली बार परिवारवाद का आरोप है। पहली बार परिवारवाद तो भाजपा शुरू से कर रही है लेकिन कोई बोलता नहीं है, और नरेंद्र मोदी सबको परिवारवाद करते रहते हैं, सोनिया गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लालू यादव पर आरोप लगाते हैं, लालू यादव पर परिवारवाद। हेलो, अरे आपका तो परिवार ही नहीं है तो आप परिवारवाद क्या करिएगा, आपका न बेटा न बेटी मिल पड़े अच्छा वाली बात है, लेकिन आप जो दो गो पोसुआ बेटा है उस देश का सबसे बड़ा उद्योग है, दो गो पोसुआ बेटा है ना अंबानी, तो उनका पोसुआ जितने भी गलत काम करवा रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को करवा रहे हैं, वो उनका पोसुआ बेटा ही है, और वो बड़े बड़े उनसे काम करवा रहे हैं, बड़े बड़े जो जो उसके नॉलेज नहीं है वो काम करवा रहे हैं। महंगाई की बात है तो महंगाई भी देश में वो चरम स्थिति पर है कि ये लोग एक टाइम का खाना खा रहे हैं, कुछ टमाटर हम लोग तो फैला हो गया एक महीना टमाटर भी नहीं खा रहे हैं, सरसों तेल 250 रुपया है, सिलेंडर का दाम जो कि हर घर में ज़रूरी है, आपको भी ज़रूरी है, वो 1200 रुपया मिल रहा है जो कि कांग्रेस के रीजन में 350 रुपये, पेट्रोल का वही स्थिति है, डीजल का वही स्थिति है, मणिपुर की बेटी पुकार रही है कि मेरी आवाज़ सुनो, लेकिन उनकी आवाज़ प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं आ रही, लोकसभा में भी इनको फ्लाइंग किस नज़र आया, लेकिन मणिपुर की बेटियों का कराह नहीं आया। हेलो, ये स्थिति है हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक का, जो कहते हैं प्रधान सेवक है, मुझे तो नहीं लगता कि वो प्रधान सेवक है, वो सबसे बड़े अगर देश का लुटेरा है तो कोई है वो है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, जिस तरीके से जो ये तस्वीर दर्शाई गई है, वो भी तस्वीर मैंने आपको दिखा है, तो वो तस्वीर भी सामने लगी हुई है, उस तस्वीर में भी जिस तरीके से परिवारवाद को दायर किया है और एक एक नामों को जिस तरीके से इसमें मेंशन किया गया है, ये जो तस्वीर है जिसमें मेंशन किया गया है कौन कौन घोटाला है, क्या क्या आरोप लगा है, मेरी आवाज़ नहीं है, तमाम घटनाओं से लेकर तमाम पेट्रोल डीजल जीरा टमाटर सरसों तेल और एक एक नाम गिनाया गया है, तमाम जिस तरीके से लालू परिवार